जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नाउन के कॉमन एरर्स से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पिछले 5 वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं, यानी प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन हम देखते आ रहे हैं। आई होप आपको पीछे का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक का सोल्यूशन हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि द कैटल इन द मेडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोअर ऑफ ए लायन व्हिच अपीयर्ड टू बी रेड विद एंगर। यानी कैटल, याद रखिएगा कैटल जो नाउन है यह हमेशा क्या होता है, प्लूरल नंबर में होता है। किस नंबर में होता है, प्लूरल नंबर में, ठीक है। कैटल एक नाउन है और यह किस नंबर में होता है, प्लूरल नंबर में ही होता है। और कैटल के लिए यहाँ पर हम किस वर्ब का, यहाँ जो वर्ब आया हुआ है ये वाज जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाज की जगह क्या होना चाहिए था, वर्ब होना चाहिए था, ठीक है। यानी सही क्या होता, द कैटल इन द मेडो वर terrified to hear the roar of a lion which appeared to be red with anger। यानी क्या हुआ कि जो मवेशी है in the meadow, meadow मतलब होता है चारागाह जिसमें मवेशी चरता है, ठीक है। चारागाह होता है जिसमें, याद रखिएगा, इस meadow का मतलब क्या होता है, जिसमें मवेशी चरता है, तो चारागाह, तो जो cattle in the meadow यानी जो मवेशी चारागाह में है, were terrified, क्या होगा सही यहाँ पर, क्या होगा was, यहाँ पर क्या है, error है, where होगा, ठीक है, were होगा। तो वर टेरिफाइड टू हियर द रोअर ऑफ लाइन, यानी शेर का दहार सुनकर के वो क्या हो गया, टेरिफाइड हो गया, मतलब भयभीत हो गया, डर गया। हुई यानी जो शेर था वो कैसा प्रतीत हो रहा था, रेड विद एंगर यानी गुस्से से, लाल प्रतीत हो रहा था, लगता था कि ऐसे पूरे गुस्से में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आइए समझते हैं 52 को क्या है। कि देयर शुड बी नो फर्नीचर, देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो फर्नीचर होता है वह क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, ये एस लगा हुआ था इसलिए इसमें एरर था। फर्नीचर की जगह में क्या करना था, फर्नीचर करना था, ठीक है। तो यानी इस 52 के पार्ट बी में क्या हो गया, एरर हो गया। यानी अगर ऑप्शन होता हमारे पास ए बी सी डी तो कौन सा आंसर होता, ऑप्शन नंबर बी आंसर होता, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस 52 का ऑप्शन नंबर पार्ट बी में एरर है, यानी फर्नीचर की जगह क्या होना चाहिए था, फर्नीचर होना चाहिए था। तो एक बार मैं समझा देता हूँ कि देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माय रूम, पता है कि मेरे रूम में कोई भी फर्नीचर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे आप देखिए क्या है कि दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देखिए तो हाउस जब बनता है तो हाउस बनाने के लिए जो मटेरियल होता है, स्टोन्स वगैरह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन मानते हैं। और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है मटेरियल नाउन, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। यानी स्टोन के साथ जो एस लगा हुआ है ये एरर है, ठीक है। यानी 53 के किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। स्टोन्स की जगह क्या होना चाहिए था, स्टोन होना चाहिए था, ये एस यहाँ पर नहीं होगा। यानी द हाउस इज बिल्ट अप, यानी जो मकान बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, पत्थरों सबसे, स्टोन सबसे बना हुआ है, ठीक है। ये मटेरियल नाउन है, यहाँ एस नहीं लगेगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है कि संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। यानी संतोष रहता है कैसे, ही प्रोफेसेस, जैसा वो लोगों को बताता है, हम खुला चुनौती देता है कि हम इस तरीके से अपना एक सिद्धांत पे अपना जिंदगी जीते हैं। और वो अगर सिद्धांत पे जिंदगी जीता है तो सिद्धांत के लिए प्रिंसिपल, ये इस प्रिंसिपल का मतलब होता है, याद रखिएगा, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक जो स्कूल में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें किस प्रिंसिपल का यूज करना है, हमें यूज करना है इस प्रिंसिपल का, जिसका मतलब होता है सिद्धांत, पी आर आई एन सी आई पी एल, याद रखिएगा, यहाँ पर पी एल होता है, यहाँ पर पी एल ई होता है, ठीक है। तो संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स, आप ऐसा लगा सकते हैं, प्रिंसिपल्स ये सिद्धांत हो गया, पी एल ई का यूज करना है, पी एल का नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसर, तो हमको हिंदी समझा चुका हूँ। तो यानी 54 के पार्ट किस में एरर है, बी में एरर है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 समझिए, बड़ा आसान सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि द एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर जानते हैं ना, खगोल शास्त्री जो होता है, सॉरी एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री जो होता है, हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, जो क्या करता है, फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में क्या लगाता है, अनुमान लगाता है, ठीक है।
जो भविष्य के बारे में क्या लगाता है, अनुमान, प्रेडिक्ट्स मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, हैज अराइव, क्या एरर है हमें इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो एरर है आप देख सकते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमर जो था, आप पता है कि आपको फ्यूचर का जो अनुमान लगाता है, प्रेडिक्ट करता है, वो एस्ट्रोनॉमर तो होता है खगोल शास्त्री, जो मन उनके बारे में अध्ययन करता है, खगोल शास्त्री जो होता है चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर नहीं होना चाहिए था, जो फ्यूचर के बारे में अध्ययन करता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर, ना कि एस्ट्रोनॉमर, याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में क्या है फर्क है? एस्ट्रोलॉजर होता है जो भविष्य के बारे में हमें बताता है, जो किसी का फ्यूचर चेक करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी पीपी 5 के पार्ट ए में एरर है। अब पूरा सेंटेंस हम समझा देते हैं आपको कि द एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, यानी वह एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, जो भविष्यवाणी करता है, हैज अराइव्ड, वह पहुंच चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है कि ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर। देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव भी लग गया और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी भी लग गया, और दो एपोस्ट्रॉफी एक साथ हम यूज नहीं करते हैं, यानी ये वाला एपोस्ट्रॉफी जो है वो हट जाएगा, यानी इस फ्रेंड्स की जगह क्या होगा, केवल एफ आर आई ई एन डी हो जाएगा, केवल फ्रेंड हो जाएगा। यानी क्या होगा इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि ही टोल्ड मी दैट, मैंने कहा था कि इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, यानी वह उसके दोस्त शंकर का घर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स की जगह आपको क्या करना है, फ्रेंड करना है, यानी दो एपोस्ट्रॉफी भी साथ नहीं लगता और ये यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि इससे पहले देख रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव भी लगा हुआ है। तो यानी 56 के किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर था। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड होना। चलिए, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है कि 6 आवर्स, यानी 6 आवर को हम एक यूनिट के रूप में ले रहे हैं, तो आर की जगह क्या होगा? इज होगा, यानी 6 आवर इज ए लॉन्ग पीरियड, यानी 6 घंटा एक लंबा समय है। ठीक है, याद रखिएगा आर की जगह क्या होगा? इज होगा। जब हम उसको सिंगुलर यूनिट के रूप में हम लेते हैं तो उसके लिए क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर होता 6 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्या होगा? 6 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 6 किलोमीटर को हम एक सिंगल यूनिट के रूप में लेंगे तो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि नीदर ऑफ द ओमेन, याद रखिएगा नीदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लुरल फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर ओमेन नहीं, ओमेन का प्लुरल क्या होता है? ओमेन होता है। ठीक है, एम ए एन की जगह एम ई एन। ठीक है, तो यानी 58 के पार्ट किसमें एरर है? बी पार्ट में एरर है, यानी वहाँ पर नीदर ऑफ द ओमेन इज प्रेजेंट, यानी दोनों में से कोई भी महिला उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ओमेन की जगह ओमेन होना था, यानी पार्ट बी में एरर था, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 आप सामने ये स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, देखिए यह अ सेट ऑफ, ये ऑफ से पहले जो सेट है ये सिंगुलर है, और इस सिंगुलर के लिए यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर क्या लगेगा? हैव नहीं, क्या होगा? हैज होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? हैव की जगह पर हैज होगा। ठीक है, यानी अ सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन के रूप में एक सिंगुलर फॉर्म में है, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव की जगह पर क्या यूज करेंगे? हैज। ठीक, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका हिंदी हम समझा देते हैं कि अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन गिवन, यानी क्वेश्चंस का एक सेट क्या है? दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी आप देख रहे हैं कि आपको एरर मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में एरर है, मेनी ए के बाद जो नाउन आता है वह क्या होता है? सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। मेनी ए के बाद जो नाउन आता है वह कैसा होता है? सिंगुलर होता है, यानी मेनी ए के बाद स्टूडेंट्स नहीं आना था, क्या आना था? स्टूडेंट आना था, ये एस हट जाना था। ठीक है, यानी पार्ट ए में ही रहता मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ स्टूडेंट होगा, ये एस नहीं होगा। तो क्या होगा? मेनी स्टूडेंट, यहाँ पर सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैज डिसाइडेड टू स्टडी मिनटली, यानी कई छात्रों ने यह निर्णय लिया है कि स्टडी मिनटली, यानी प्रत्येक मिनट पढ़ना है, यानी खूब पढ़ना है। मिनटली मतलब क्या होता है? प्रति मिनट पढ़ना है। ठीक है, यानी प्रत्येक मिनट का हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।